हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज की मेरी फेस की स्माइल से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी मम्मी भी खुश है। मम्मी, सारा गुस्सा भाई, इस खुशी का राज आप ही बता दो। लेगा जानवर में तो खुशी की खुशी होगी। हाँ, हम इसीलिए ज्यादा खुश हैं क्योंकि आज हम अपने गांव वाले घर जा रहे हैं। और वो भी गांव तो हम मम्मी जाते रहते हैं, हर महीने दो महीने में जाते रहते थे, और आज भी गांव में जा रहे हैं। तो फर्क क्या है? आज फर्क क्या, तुम मुन्नू लेके जाऊंगा। हाँ, आज वो ये, आज हम चार से पांच जा रहे हैं। हमेशा दो तीन या चार जाते थे, और आज हमारे छुटकू को ये देखो, ये इसको कोई मतलब नहीं है, आराम से सोया है ये, ठीक है, ये हमने सही है। और तो एक खुशी तो ये थी जो मैंने आपको बता दी कि आज हम सब अपने गांव जा रहे हैं। और आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी होते थे बेबी के फंक्शन से रिलेटेड, तो वो सब के आंसर भी अब आपको अपकमिंग वीडियोस में मिलते जाएंगे धीरे धीरे। और आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में शायद गांव के व्लॉग ही मिले, मिनी व्लॉग्स भी। सब तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, और देखो मम्मी और बेबी भी बिल्कुल तैयार हैं। आपके आपको इस व्लॉग में बस वो दोनों भाई नहीं दिख रहे होंगे, वो इसलिए नहीं, दूसरी खुशी की भी बात ये है कि आज हमारी न्यू बाइक भी आने वाली है, और वो दोनों न्यू बाइक की डिलीवरी ही लेने गए हैं। आप लोग रोज परवेज की वीडियो में देखते भी होंगे कि वो 5-6 दिन से रोज बाइक वगैरह देखने जाते थे, अपनी पसंद की ट्राई करने जाते थे। तो अब फिलहाल मतलब जो उनको फिर अच्छी लगी बाइक वो उन्होंने ले ली, और आज ही उसको लेने गए। अभी हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो बाइक लेके आते हैं तो फिर हम अपने घर चले जाएंगे। और देखो हमने ऑलमोस्ट पैकिंग कर ली है, कितना ज़्यादा सामान हो रखा है। परवेश तो कह रहा था नू करो ना एक ट्रक मंगा लो ये इसलिए ये इतना ज़्यादा है क्योंकि हमेशा तो क्या होता था, मम्मी और परवेश ही ज़्यादातर गांव में रहते थे, कुछ काम होता था खेतों वेतों का तो उन दोनों का ही सामान होता था। हम तो, मैं और परवीन जी तो 2-3 दिन या एक वीक में वापस आ जाते थे, तो थोड़ा सामान रहता था। लेकिन अब चारों ही जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा सामान हो गया। हाँ, पाँचों देख मम्मी ने कितनी जल्दी बात नोट किया कि पाँचों, यस अब हम पाँचों जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हाँ, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपनी बाइक की पूजा करने के लिए भी, मैंने रेडी रख रखी है। ये देखो जैसे हमारी न्यू बाइक आती है तो हम अपने घर निकल जाएंगे, और मैं आपको अपनी न्यू बाइक भी दिखाऊंगी जल्दी ही। कब से इंतजार करने लग रही हूँ, बार बार ऐसे यहाँ इस जंगले के पास आके ऐसे नीचे देख लेती हूँ, आए नहीं आए, आए नहीं आए। मम्मी थोड़ी सी बता दे कैसा आप फील कर रहे हो इस छुटकू के साथ जाने के जाते। और देखो ये पता है आज ये बेबी एक गाना गा रहा था, जिसको मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। पता है क्यों? बेचारे के हाथ में ये सोचा कि माँ जी तो मुझे बचाएगी, मेरे हाथों से ये ग्लव्स निकालेगी, लेकिन माँ जी ने तो अपने सूट के मैचिंग के दूसरे और बना के इसको पहना दिए। और ये अभी सोया हुआ है, जब मैंने ये परा दिया ये तो मैं सो रही थी तो काट दी तो ठीक रहूंगा ना। हाँ, अब तो निकाल दो, सो रहा है, ले लिए निकाल दिया। छुटकू से ज्यादा छुटकू की माँ जी एक्साइटेड है अपने छुटकू को घर ले जाने के लिए। मेरा बेटा मेरे आंगन में खेलेगा, मेरे बेटे से घर में रौनक आ जाएगी, आम की डाली पे पींग डालूंगी। है मम्मी, हाँ सब भी बहुत खुश है। हम 3-4 दिन पहले चले जाते, लेकिन थोड़ा सा एक तो बेबी का भी चेकअप था और बाइक की वजह से भी थोड़ा लेट हो गए। हाँ मैं तो पता कि ये रखे हैं एंड मैं खुद खुद मार नहीं रहा हूँ। हेलो, ये क्या है? इसमें केक है, इसमें मिठाई है, मिठाई पकड़ा है सब दे। ये क्या है जी, क्या लाए हो, किस खुशी में लाए हो, बता तो दो। ये देखो ये ना केक भी भाई वहीं से काट लाए, मजा आया। अब इनकी लड़ाई हो गई लड्डू के ऊपर। बूंदी लड्डू है, मुझे बूंदी बड़ी पसंद है। ये वाला अच्छा ही, बूंदी वाले बढ़िया है, मन टेस्ट लगी
ठीक है, यो तो घर ने खा लेंगे, यो केक मेल्ट हो जाएगा, केक खा लेगा नहीं। हाँ कुछ भी कर लेंगे हम भी तो, नई बाइक का सेलिब्रेशन करेंगे, कर लो तुम देख ही बाइक ऊपर से देखी थी बस। तो केक और मिठाई के साथ घर आने के बाद केक का बॉक्स ओपन किया, वैसे इसकी कटिंग तो वहीं बाइक की डिलीवरी के टाइम पे हो चुकी थी, लेकिन फिर आपस में सबने मिलकर केक खाया। और अब घर जाना था तो सब बोले हम भी घूम फिर के थोड़ा थक गए हैं और चाय का टाइम भी हो चुका है, तो पहले एक चाय पिला दो फिर चलते हैं। मैंने सबको चाय पिलाई, उसके बाद जब सामान देखा तो एक ही बात आई, इस गाड़ी में थोड़ी ना जाएगा, इसके लिए तो ट्रक बुलाना पड़ेगा। एक ट्रक बुला लो, यन्नू तो जा कौन नहीं, सबसे ज्यादा सामान इसको है। है जी, सुन तू बाइक पर लेके जाओ नहीं हो सब। हाँ बाइक पर कुछ ना था भाई। तो भाई अब हमारी नई बाइक आ गई है, अभी हमने देखी नहीं है, अब हम सब नीचे जा रहे हैं सामान लेके, पहले सामान रखेंगे और फिर हम नई बाइक देखेंगे, फिर ये बाइक पे जाएगा और हम सब गाड़ी में अपने घर जाएंगे। किसी को तो अभी पहले ये सामान जचा के आ रहे नीचे, छोटू अभी सो रहा है, उसको लेके जाएंगे फिर। और मैं कोई सामान नहीं लेके जाऊंगा ये सारा जो तेरे हाथ में है ना, बस ये ले जाइयो। ठीक है रखे हो, जल्दी फिर निकलते हैं घर के लिए। धीरे धीरे करके सारा सामान नीचे गाड़ी तक पहुँचाया, सामान हमने गाड़ी में रख दिया है और अब बस हम घर के लिए निकलने वाले हैं। बिल्कुल तैयारी फुल हो चुकी है और ये देखो घर जाने के नाम से ये भी उठ गया है। ऐसे कौन करता है? ये दूध दूध कौन डालता है? इसलिए ले तो गए घर चलेंगे। अपने गांव वाले घर चलेंगे। हाँ घर एक्साइटेड है ये भी देखो, बिल्कुल टाइम हुआ ना घर जाने का, तो उठ गया। कहाँ जाएगा? घर जाऊंगा पापा, घर जाऊंगा मैं अपने अपने घर जाऊंगा पापा, है ना बेटा? माजी कहाँ गई? माजी को ढूंढ रहा है, माजी को ढूंढ रहा है। आ लिए माजी, माजी को ढूंढ ले, आ लिए माजी। तो भाई सच में बहुत एक्साइटेड है, एक अलग सी फीलिंग आ रही है, सिर्फ इस छुटकों की वजह से, सिर्फ इस छुटकों की वजह से अलग फीलिंग आ रही है। इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि ऐसे तो हम गाँव जाते ही रहते थे महीने में दो महीने में, लेकिन अब की बार जो गाँव जा रहे हैं ना वो अलग ही फीलिंग है, नहीं एक्सप्रेस की जा रही हो। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं साथ और दिखाएंगे वहाँ कैसा हाल हो रखा होगा बारिश के बाद। बहुत बुरा मिलेगा, बहुत बुरा मिलेगा। हाँ पर कोई नहीं, जब एक बार साफ हो जाती है तो बस एक दो दिन मेहनत लगती है, दो दिन मैक्सिमम और मेहनत लगती है, इसी वजह से हम डेकोरेशन वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। हाँ वरना हम अपने बेबी का थोड़ा अच्छा वेलकम करते हैं, लेकिन वो बस अब ऐसा ही रहेगा कि टाइम की कमी है, बाद में कर देंगे, बाद में चलते रहेंगे, इसके बर्थडे पे कर देंगे, हमेशा कर देंगे, कभी भी कर देंगे, है ना छुटको? तो छुटको मेरे पास आ ही गया है, है ना छुटको? एक दो दिन मेहनत लगती है, फिर उसके बाद बहुत सुंदर लगता है और रहने में बहुत मजा आता है, फिर छोड़ के आने का। लो मम्मा, मम्मी को चलते टाइम थोड़ा जुकाम हो गया क्योंकि मम्मी को एलर्जी की प्रॉब्लम है और ये थोड़ी धूल वूल से ही बस हो गया, अलग से मैं कही तो उसके बाद मम्मी बेबी को लेके और मैं अपनी पूजा की थाली लेके निकल लिए घर से। और नीचे जाते पहले मैंने बाइक को देखा और उसके बाद पूरे दिल से उसका स्वागत किया। तो बाइक का स्वागत करने पे मम्मी ने मुझे 500 रुपए दिए उधर प्रवेश बाइक पे और इधर हम सब गाड़ी में निकल लिए अपने घर के लिए। और मैं इस पे पूरी निगाह रखते हुए चल रही थी, जैसे ही इसने बाइक थोड़ी सी तेज की मैंने मम्मी को भड़का दिया। मम्मी बोली हवा में मत ना उड़े, धरती पे पा टेक ले। कुछ इस तरह हंसी मजाक करते करते हम पहुंचे अपने घर और उस टाइम तक हो चुका था बिल्कुल अंधेरा। जैसे ही घर के अंदर एंट्री की मम्मी तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई और आते ही बेबी को अपना घर दिखाने लग गई। बोली देख इस आम का पेड़ पे तेरी पींग डालूंगी मैं, मेरे बेटो पूरा आंगन में नू घूमे को खेल तो खेल, ऐसी प्यारी प्यारी बातें बेबी के साथ करने लग गई। तभी पड़ोस के बच्चे अपनी माँ जी को लेके आ गई, वो डेली मम्मी से फ़ोन पे पूछते थे माँ जी छोटू बेबी कब आएगा, छोटू भैया से मिलना है। और जैसे ही उन्हें पता चला हम आ गए हैं तो वो रात को ही अपनी माँ जी को खींच लाए कि अभी हमें भैया से मिला के लाओ, कहीं वो कल सुबह फिर से दिल्ली ना चले जाए। और
और इस तरह सबने थोड़ी देर बातचीत की। बस अब हम गांव में आ गए हैं। अब आपको डेली मिनी व्लॉग्स और मैं कोशिश करूंगी बीच में जब भी पॉसिबल हुआ बड़ी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।